नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आपने 2016 में अक्षय कुमार की एक एयरलिफ्ट तो जरूर देखी होगी जहां पर सद्दाम हुसैन की आर्मी कुवैत में इन्वेड करती है और वहां पर जो कुवैत में इंडियंस फंसे रहते हैं उन्हें निकालने के लिए अक्षय कुमार और राजीव कात्याल क्या क्या जद्दोजहद करता है, ये आपने सबने देखा। थोड़े टाइम के बाद यानी कि 2021 लॉकडाउन के तुरंत बाद सबसे पहले रिलीज होने वाली फिल्म थी अक्षय कुमार की बेल बॉटम। वहां पर भी अक्षय कुमार एक मिशन में जाते हैं। अक्षय कुमार आई थिंक टाइपकास्ट होते जा रहे हैं इसी तरह के रोल में और ऐसी ही एक फिल्म वो फिर से लेकर के आने वाले हैं जिसका नाम है मिशन रानीगंज। ऑल्दो इस पिक्चर का नाम काफी बार बदला है, पहले इसका नाम था कैप्सूल गिल फिर द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू। लेकिन आपने भी अभी रिसेंटली देखा होगा जब हमारी सरकार ने यह फैसला करा कि हम इंडिया नाम का कम प्रयोग करेंगे, हम भारत नाम का ज्यादा प्रयोग करेंगे, तो भैया इस भारत वर्ड को इनकैश करने के लिए अक्षय कुमार ने अपनी पिक्चर का टाइटल फिर से बदल दिया, मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू। मतलब इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग अपनी पिक्चर के पोस्टर पर करने वाले अक्षय कुमार पहले एक्टर बन गए हैं। अब ये जो पिक्चर आने वाली है मिशन रानीगंज, ये एक्चुअली में एक रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था। आई थिंक 1989 में ये हादसा हुआ था, इंसिडेंट नहीं, इसे एक हादसा बोला जाएगा, काफी ट्रेजिक हादसा था। आई थिंक वेस्ट बंगाल में रानीगंज करके एक कोल माइनिंग एरिया है जहां पर कोयले की खदानें वगैरह हैं, ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं। ऐसे ही किसी ब्लास्ट की वजह से वो जो कोल माइंस रहती हैं, जो अंदर खदानें रहती हैं, उन खदानों में क्रैक पड़ गए जिसकी वजह से काफ़ी सारा पानी अंदर आ जाता है और काफ़ी सारे मजदूर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 65 से 70 के बीच में कुछ मजदूर थे जो कि अंदर फंस चुके थे। वो जिंदा हैं या नहीं हैं किसी को इस बारे में खबर नहीं मिल रही थी क्योंकि वो 90s का दौर था, तब कोई संचार सेवाएं थी नहीं, ना कोई मोबाइल, ना कोई फ़ोन, इस तरह से कुछ नहीं था और लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसे में IIT धनबाद के एक इंजीनियर जसवंत सिंह गिल साहब आते हैं और कैसे वो अंदर फंसे मजदूरों को बाहर लेकर के आते हैं, इस शौर्य गाथा को रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करेंगे अक्षय कुमार। हालांकि जो ट्रेलर है ना, इस ट्रेलर को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, इस ट्रेलर को मैं भी पसंद कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। जैसे कि अक्षय कुमार, आपको पता है कि भैया वो एकदम ऑथेंटिक लुक में नहीं आते हैं, नकली दाढ़ी लगा ली, पग बांध ली, बन गए सरदार और पेट में कुछ कपड़ा ठूस लिया वो हप्पू दरोगा की तरह, या फिर दो चार टी शर्ट डाल ली, पेट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, थोड़ा पंजाबी में एक्सेंट मार दिया। तो अक्षय कुमार एकदम ऑथेंटिक लुक में नहीं आते तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है। आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूँ, ये जो टीम है ना मिशन रानीगंज में, यही टीम थी बेल बॉटम फिल्म में भी। वो जो पूरी पिक्चर थी बेल बॉटम, कहानी का जो सेंटर पॉइंट था वो हमारा देश था, कैसे दिल्ली और ये सचिवालय वगैरह सब दिखाए गए थे, जबकि हकीकत में पूरी पिक्चर की शूटिंग UK में हुई थी। वैसे ही ये रानीगंज, इसे भी पूजा फिल्म यानी कि वासु भगनानी ने ही बनाया है और वासु भगनानी और उनका लड़का JK भगनानी ये ऑथेंटिक तरीके से फिल्म बनाने में बिलीव नहीं करते हैं, एकदम चाइना के मटेरियल टाइप का ये लोग सामान इस्तेमाल करते हैं। कहानी रानीगंज की है बट इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग जो है वो UK में हुई है, मुंबई में हुई है और कुछ पोर्शन जो है वो जो रियल लोकेशन है रानीगंज वहाँ पर शूट किया गया है। तो ट्रेलर जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा काफ़ी लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन वासु भगनानी और अक्षय कुमार जब मिलते हैं तो ऑथेंटिक चीज़ें कम बनाते हैं, इसलिए मेरे को वो कनेक्शन या फिर जो इमोशंस आने चाहिए या फिर इस्टेब्लिश होना चाहिए कनेक्शन इस फिल्म के ट्रेलर से, वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाए बिकॉज काफ़ी नकली सा, काफ़ी फैब्रिकेटेड टाइप ऑफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं वहाँ पर। इतनी बढ़िया ये स्टोरी है, इतना बढ़िया ये जो काम किया था गिल साहब ने, इस काम को थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से दिखाते तो अच्छा लगता। अब हो सकता है कि कई लोग कहीं भाई पूरी पिक्चर तो देख लो, अरे पूरी पिक्चर क्या देखनी है भाई साहब, अक्षय कुमार पृथ्वीराज में आपने देखा ना नकली मूछ लगा ली थी और हर किसी पिक्चर में नकली दाढ़ी मूछ लगा करके वो खड़ा हो जाता है। तो मेरा मानना है कि जो काम अक्षय कुमार ने एयरलिफ्ट में करा था वहां पर कुवैत में फंसे इंडियंस को वो इंडिया लेकर के आते हैं, एडम मुझे लग रहा है कि 7 साल के बाद अक्षय कुमार एयरलिफ्ट नहीं जमीन से लोगों को लिफ्ट करके लाएंगे। कैसे वो खदान के अंदर लोग फंस जाते हैं, उसके पैरेलल एक वो गड्ढा वगैरह करेंगे, फिर वो कुछ एक बड़ा सा आयरन का कुछ कैप्सूल टाइप का बनाएंगे, उससे वो लेकर के आएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी लाइन तो है, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे होगा पिक्चर में उसी पर सबको डिपेंड करेगा। और जैसे मैंने यूट्यूब पर इस फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए यूट्यूब को ओपन करा, उसके ट्रेलर के जस्ट नीचे कोई क्रिटिक का रिव्यू था जहां पर कह रहा था 500 करोड़ पक्के। भाई अक्षय कुमार की पिक्चर 500 करोड़, ये थोड़ा सा टू मच हो गया है। हाँ, हो सकता है 100 करोड़ कर ले, 150 करोड़ कर ले, बट 500 करोड़, ये भाई पब्लिक को बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक है। आई थिंक अक्षय कुमार के फैंस को खुश करना चाहते हैं वो क्रिटिक महोदय, सीधी सी बात ये है। जहां तक मेरा सवाल है भाई साहब, तो अक्षय कुमार को ऐसे ही रेस्क्यूअर के रूप में हम एयरलिफ्ट में देख चुके हैं, ऐसे ही मिशन पर वो बेबी में गए, ऐसे ही मिशन पर बेल बॉटम में गए। बेल बॉटम तो कितनी वाहियात और कितनी थर्ड क्लास रद्दी पिक्चर थी, मतलब
क्या ही बोलूं यार, वो फिल्म लॉकडाउन के बाद रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी और मुंबई के जितने भी क्रिटिक हैं या फिर जो सेलिब्रिटीज हैं वो सूरत तक ड्राइव करके गए थे फिल्म देखने के लिए। और अगर आपने बेल बॉटम देखी है ना तो सच में क्लाइमेक्स में आपने मत्था पीट लिया होगा कि भाई क्या बना करके रख दिया, क्या बवासीर बनाया था बेल बॉटम के नाम से। और बेल बॉटम बनाई थी वासु भगनानी उनके पूजा फिल्म्स ने, तो वासु भगनानी की फिल्में एकदम यू नो थर्ड क्लास मटेरियल वाली फिल्में होती है, तो मुझे कोई खास उम्मीद तो नहीं है वासु भगनानी के प्रोडक्शन हाउस से, क्योंकि वहाँ पर एकदम नकली नकली सा फील होता है, नकली वाइब होती है। तो ट्रेलर मुझे तो भैया इतना अच्छा नहीं लगा, हो सकता है कि आपको अच्छा लगा हो। मेरा ये मानना है कि इतनी जो अमेजिंग रियल लाइफ स्टोरी है इसे बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, बहुत ही रियल रखना था ट्रीटमेंट। और अक्षय कुमार तो भाई रियल कैरेक्टर में मतलब पूरा नकली नकली वाइब देता, तो मुझे ये ट्रेलर एकदम बिलो एवरेज जैसा लगा है। आपके क्या है ओपिनियन, आप भी कमेंट करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।